Everyone, we welcome you all on behalf of West Zone Cultural Center, Udaipur, Ministry of Culture, Government of India. In this particular episode of our online program series, we'll meet a talented lady who has developed her own designing persona and she has got a unique approach towards designing. Let us welcome interior designer Divya Handa from Delhi NCR. Hello, Divya. Hello, how are you, ma'am? Yeah, all good. So, she is in design field from last 15 years. She has worked with some of the leading brands like Nike, Oriflame, VLCC, Vela, and so on. She has traveled the world to enrich her taste, or you can say, to know more about international design trends and style. She has designed many homes in Delhi, NCR, in various parts of the country as well. And she has got clients in Dubai and London also. So, welcome Divya to this online program series of WZCC Udaipur. First of all, we all say that nothing is finished without the art. And art jo hai, ek tarike ka impression hai, application hai, hamari day-to-day life ho, या कोई भी हमारी लाइफ का फील्ड हो तो हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहते हैं कि आर्ट किस तरह डिजाइन के साथ लिंक अप है और व्हाट यू थिंक आर्ट एंड डिजाइन गोज हैंड इन हैंड. मैम वेरी नाइसली पुट. इनफैक्ट आर्ट एंड डिजाइन यस दे डू गो हैंड इन हैंड बिकॉज बोथ आर अ फॉर्म ऑफ विजुअल एक्सप्रेशन. आर्ट in any form has to be beautiful, expressive and creative. So is design. So I think design is a derivative of art, and we can call ourselves artists of space, jahan pe hame bahut sari jagahein di jati hain aur hum unhe sundar banate hain aur visually appealing banate hain apni creativity se. So yes, it is correct that art and design are they go hand in hand and they are two sides of the same coin. Yeah, Divya, aapne abhi hame bataya ki jo interior designers hain wo bhi ek tarike se artist hai aur naturally wo apne aesthetic sense ke sath unme technical competency hona bhi zaruri hai. Ye शायद ऐसा फील्ड है इंटीरियर डिजाइन जो आर्ट भी है और साइंस भी है, राइट? जी मैम, इट्स एक्चुअली अ ब्यूटीफुल मिक्स दिस फील्ड. इन 15 इयर्स आई हैव सीन के बहुत ही एक इंटेंस फील्ड है और उतना ही प्यारा है. इसमें आर्ट है जहाँ पे हमें विजुअल ब्यूटी, एस्थेटिक्स और सुंदरता से रिलेटेड चीजें दिखानी पड़ती है, बट हाँ एक प्रैक्टिकलिटी और एक फंक्शनैलिटी के लिए मुझे लगता है साइंस के कुछ पार्ट्स हैं जो इसमें यूज होते हैं. एंथ्रोपोलॉजी, एर्गोनॉमिक्स, ये बहुत हमारे जो व्यूअर्स हैं या कुछ जो डिजाइन से रिलेटेड व्यूअर्स हैं वो भी इसके बारे में पढ़ सकते हैं, क्योंकि एक बॉडी एंड स्पेस फंक्शनैलिटी होती है. एक बॉडी एंड स्पेस इंटरैक्शन होती है कि आपके कहाँ कितने डिस्टेंसेस हैं. अगर आप एक ग्लास उठा रहे हैं वो कितने डिस्टेंस पे है, एक लाइट चला रहे हैं, एक स्विच ऑन कर रहे हैं, तो ये सब एक प्रैक्टिकल और एक फंक्शनल जो इन्वायरमेंट क्रिएट होता है ये साइंस की हेल्प से होता है. तो आप थोड़ा सा आर्ट का एक पार्ट लेते हैं जहाँ पे ब्यूटी आ जाती है और एक साइंस का पार्ट लेते हैं और इनको मर्ज करके आपका एक डिजाइन बनता है. सो इंटीरियर डिजाइनर्स ऐसे आर्टिस्ट हैं जो किसी भी स्पेस के लिए एक स्टोरी क्रिएट करते हैं, उसे वाइब्रेंसी देते हैं और साथ ही साथ उसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं. नेचुरली ये बहुत अच्छा मिक्स है आर्ट का और साइंस का. अब हम बात कर रहे हैं कि नेचुरली आप क्लोदिंग के साथ भी काम करते हैं, लाइट्स के साथ भी, पैटर्न्स भी हैं, टेक्सचर्स भी हैं, उसमें कॉम्बिनेशन है,
विजन है, स्पेस प्लानिंग है, बहुत सारी चीजें हैं, एंडलेस. तो अब तक आपने कुछ रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स भी किए हैं, आपने कुछ कमर्शियल प्रोजेक्ट्स भी किए हैं, प्लस हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के प्रोजेक्ट्स भी किए हैं. तो आपको क्या लगता है बेसिकली इन सब में क्या क्या फर्क है? मैम एक्चुअली वेरी राइटली जैसे यू सेड मिस काजी के हमारा टेक्सचर ऑफ मटेरियल, फिनिशिंग, लाइटिंग, ये सब मिला के एक स्पेस लगता है डेफिनेटली, और उसकी समझ जरूरी है. बट जब हम ये अलग अलग इसको फ्रैगमेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ रेजिडेंशियल घर हो गए, लिविंग स्पेसेस हो गई हमारी, फार्म हाउसेस, घर, अपार्टमेंट्स, रेजिडेंशियल में ये आ जाता है. कमर्शियल की अगर बात करें तो उसमें आपके ऑफिसेस, स्टोर्स, शॉप्स, दैट्स अनदर सेट. हॉस्पिटैलिटी मतलब होटल्स, रेस्टोरेंट्स आल्सो. आल्सो देयर इज अनदर एड ऑन टू दिस, आजकल लग्जरी इंडस्ट्री या रिक्रिएशन डिजाइन भी एड हो चुका है, जहाँ पे आपके स्पास और आपके रिलैक्सेशन एरियाज हैं जो एड हो जाते हैं. इन सब एरियाज में डेफिनेटली एक जो इन्वायरमेंट या जो सेंस ऑफ पर्पस है, मतलब जहाँ हम अगर सपोजिंग जैसे मैंने कहा एक रिक्रिएशन जगह है, तो उसका इन्वायरमेंट, उसकी जो वाइब है, वो घर से, एक ऑफिस से बहुत अलग होती है. एलिमेंट्स वही लगते हैं, बट उनको मैनेज करना, उनकी विजुअल अपील बनाना, ये हमारा काम होता है. और इनमें यही डिफरेंस है, बिजनेसेस अलग होते हैं, उनका रेवेन्यू कैसे जनरेट होता है, उनको क्या बजट में उनको डालना और फिर भी उनकी वाइब सस्टेन करना, दैट्स आवर जॉब. या दिव्या, जो आपका डिजाइनिंग फील्ड है, अगर हम बीइंग आर्टिस्ट बात करें, एस्थेटिक सेंस की बात करें, तो ये आपके लिए एक तरीके से एवर इवॉल्विंग कैनवस है, नए नए ट्रेंड से, और आपको हमेशा कुछ ना कुछ नई चीजें, इनोवेशंस करते रहना होता होगा, और साथ ही जो भी नए लेटेस्ट ट्रेंड्स चल रहे हैं उनकी जानकारी भी आपको होनी चाहिए. तो इसके लिए आप अपने आप को कैसे अपडेट करती हैं, क्या टेक्नोलॉजी का सहारा आप लेती हैं, वो बताइए. Iskazi, yes, the beauty of this field is that it's ever evolving. So stagnant ye mere pichle 15 saalon mein nahi tha aur aage bhi nahi hoga, because design is ever evolving. Ek ye bahut famous saying hai. Trends to khair har saal badalte hain, har season badalte hain, in terms of colors, in terms of generations ke आज हमारे पेरेंट्स को शायद कुछ और कलर्स पसंद है या कुछ और लुक और फील पसंद है घर की, और हम जेनरेशन को अलग. सो ट्रेंड्स अभी वी हैव वी काइंड ऑफ एम्ब्रेस आवरसेल्व्स इज थ्रू इंटरनेट, थ्रू वर्ल्ड यू नो डिजाइन फोरम्स, जहाँ पे हमें ये पता लगता है कि क्या क्या लेटेस्ट ट्रेंड्स वोग में हैं और उसमें से क्या हम अपने क्लाइंटल को ऑफर कर सकते हैं. बिकॉज ऑब्वियसली इंटरनेशनल डिजाइन ट्रेंड्स सारे भी इंडिया में ट्रांसलेट नहीं हो सकते, एक्सेप्टेबिलिटी और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड लाइफस्टाइल इज वेरी डिफरेंट. तो आई मेजरली यूज यू नो लॉट ऑफ रीडिंग, अ लॉट ऑफ इंटरनेट, अ लॉट ऑफ साइट्स एंड मैगजीन्स थ्रू आउट द कंट्री एंड वर्ल्ड ओवर to enrich myself कि अभी latest क्या चल रहा है और हम अपने clients को क्या offer कर सकते हैं जो उनकी उनकी needs meet करें. Yeah, so किसी भी before taking up any new project, what preparations do you make and like how you start conversing with your client to know about him more? The first, because we are working pan-India, we also are working throughout, you know, a lot of other prominent countries like London, Dubai, and other East Asian countries. So first thing for me to prepare myself is to know the client, to know what they are all about. Because किसी के भी personal space आप अगर design कर रहे हैं, चाहे वो उनका office हो, या उनका घर हो, या उनका हॉलिडे होम हो, या कोई भी उनका एक कमर्शियल बिजनेस स्पेस हो,
you have to understand them as individuals. You have to understand what they are wanting out of the space. उनका माइंड क्या है, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, उनका लाइफ स्टाइल क्या है. मेरा फर्स्ट प्रेपरेशन ये होता है सो दैट आई कैन कम क्लोजेस्ट टू देयर थॉट प्रोसेस, एड माय एक्सपर्टीज, एड माय डिजाइन एंड गिव देम समथिंग व्हिच इज अ ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट बट पर्सनलाइज्ड डिजाइन प्रोजेक्ट. ओके, सो व्हाट वी कैन से दिव्या, दैट इट इज and not a profession for you, apart from profession, it has got a very deep emotional connect as well. Yes, ma'am. I think as artists, like I previously mentioned, we are partially, in fact, more of artists and creative people. And we are very emotional. We are very people's person. And sab jante hain ki artists ka ek soft side, sensitive side hota hai. तो किसी की भी जगह को जब तक हम एक पर्सनल टच या अपना एक वो इमोशन नहीं देंगे उसमें वो ब्यूटी नहीं आएगी. इट्स लाइक आर्ट, लाइक हाउ अ डांसर और अ सिंगर और अ कैनवस आर्टिस्ट वुड पुट देमसेल्व्स आउट देयर. दिस इज हाउ वी डू इट, गेट टू नो हु वी आर इंटरैक्टिंग विद एंड वो स्पेस की वाइब, वो एग्जैक्टली या वो स्टोरी उसमें आ पाए, वो कनेक्ट उसमें आ पाए उस स्पेस में. दिव्या, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आप बहुत अपना हार्ट एंड माइंड, अपना पूरा डेडिकेशन देके एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करती हैं, और यूजुअली अब तक का आपको क्या लगता है कि कोई बहुत ऐसा चैलेंजिंग प्रोजेक्ट आपके लिए रहा हो या वन ऑफ द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट यू गॉट, सो कुड यू प्लीज शेयर इट विद आवर व्यूअर्स. Yes, I'll break this question into two parts. First, सबसे पहले तो challenging की बात करें तो मेरे ख्याल से हर project एक नया challenge है, क्योंकि वो अपने साथ एक it's like a new baby, वो अपने साथ कई चीजें लेके आता है, एक client लेके आता है, उनकी requirements लेके आता है. Apart from that, there are budgets, there are locations, there are so many more things. तो वो एक हर प्रोजेक्ट इज अ चैलेंज, इफ आई वुड से, एंड इन अ पॉजिटिव वे. इट्स अ पॉजिटिव चैलेंज फॉर अस बिकॉज़ वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच एंड बिल्ड समथिंग अप, तो इट टेक्स अ लॉट. एंड कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो देयर वाज अ वेरी वेरी नाइस कॉम्प्लीमेंट दैट वन ऑफ माय क्लाइंट गिव मी. एंड तो मुझे लोग अप्रिशिएट करते हैं, हम्बली मैं कहना चाहूंगी, फॉर माय डिजाइन सेंस. बट कीपिंग दैट असाइड, मुझे किसी ने कहा था यू आर अ वेरी पेशेंट एंड अ सिंसियर वर्कर एंड यू हैव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स. हम आपके सामने प्रॉब्लम्स प्रेजेंट करते रहते हैं, आप बहुत पेशेंटली उनको सॉल्व करती रहती हैं. यू डोंट लूज योर कूल एंड यू डोंट लूज योर पेस. So that was something that, you know, motivated me ke ek wo bahut hi ek bahut famous client the mere and a very known industrialist and very old, you know, in age and stature very big. So aise kisi se milna ye compliment aaj ki date mein bahut mere liye important tha. Problem solve karna ke aur patience ye cheeze handle kar. तो यही सारी चीजें आपको एनर्जाइज करती हैं और प्रिपेयर करती हैं अपने अगले प्रोजेक्ट के लिए. अगर हम यहाँ बात करें, जैसे हम वेस्ट जोन कल्चरल सेंटर उदयपुर के लिए ये एपिसोड कर रहे हैं. राजस्थान बहुत वाइब्रेंट स्टेट है और अभी डिजाइन ट्रेंड्स में वॉल आर्ट पर भी काफी काम हो रहा है. तो बेसिकली एक इंटीरियर डिजाइनिंग के फील्ड में ये वॉल आर्ट क्या है और क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? आई थिंक यस, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ वॉल आर्ट बिकॉज मैं काफी काम उदयपुर और सराउंडिंग एरियाज में रिसेंटली कर रही हूँ और मैंने वहाँ ट्रैवल भी किया है. तो मैं देख रही हूँ काफी हैंड आर्टिस्ट और काफी लोकल आर्ट. इनफैक्ट मैं भी कोशिश कर रही हूँ अपने प्रोजेक्ट्स में उन लोगों को इन्वॉल्व करने के लिए, लोकल आर्टिसंस को इन्वॉल्व करने के लिए, ताकि हम उनको ग्रोथ दे सके और एक ये जो डाइंग ट्रेडिशन है उसको अलाइव रख सके. और वॉल्स हमारा कैनवस है, हमारा कैनवस और फ्लैट प्लेटफॉर्म. अगर एक मैं स्पेस लू इंटीरियर डिजाइन में किसी भी जगह की, तो वॉल से मैं कलर,
डिपिक्शन काफी कुछ रिप्रेजेंट कर सकती हूँ. तो वॉल आर्ट आई थिंक इज अ वेरी ग्रोइंग फील. अगर हम जैसे डिजाइनर्स कुछ मिलके इसको प्रमोट करें, आप जैसे यू नो कल्चरल कमिटीज इसमें हमें सपोर्ट करें, तो देन आई थिंक यू नो वी अगेन लाइक आई सेड वी हैव अ इंटीरियर स्पेस एज आवर कैनवस एंड वी वुड वांट टू यूज दैट एंड वी स्टिल यूज इट टू ऐड द वाइब्रेंस द कलर ऑल्सो द डिपिक्शन. जितने लोग को देखते हैं वो विजुअल मतलब सामने जाती है उनकी कला. तो अब उन एरियाज में भी ट्रेडिशनल जो हमारी आर्ट फॉर्म्स हैं उनका एक बहुत अच्छा अमलगमेशन इंटीरियर डिजाइनर्स के थ्रू पेश किया जा सकता है, ये आप कहना चाहती हैं. और हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आपके पिलर्स ऑफ स्ट्रेंथ क्या क्या हैं और एक प्रोजेक्ट के सक्सेसफुल कंप्लीशन के बाद आप अपने आप को कैसे डी-स्ट्रेस करती हैं. देखिए मेरे कॉन्स्टेंट पिलर्स ऑफ स्ट्रेंथ मेरी डॉटर है और आई हैव अ 4-year-old डॉटर एंड माय फैमिली. आई थिंक ये लोग मेरे कॉन्स्टेंट पिलर्स ऑफ स्ट्रेंथ हैं और दे होल्ड मी अप. आई मीन आफ्टर इट्स आफ्टर ऑल टफ डेज एंड इन लोगों की वजह से ही मैं शायद इतना पेशेंट रह के स्माइल करते हुए चीजें कर पाती हूँ. और हाउ आई रिवॉर्ड माई सेल्फ आई थिंक स्पेंडिंग टाइम विद देम, आइदर कुकिंग फॉर देम और बीइंग एट होम और टेकिंग अ शॉर्ट ब्रेक. बट दैट्स माय एनर्जी स्पेस एंड इट कीप्स मी गोइंग. वंडरफुल, ग्रेट. वी ऑल नो दैट नथिंग कम्स इजी एंड वी हैव टू वर्क for it. So yes. Since beginning you have got a flair or for this designing field, or you cultivated it with your education and all? Actually ye mujhe Miss Ghazi meri mother se mila hai inheritance mein. Meri mother bhi she is into jewelry and garments. To wo ek fashion design sense mein hai. To bachpan se hi creativity और कलर्स और आर्ट फॉर्म्स और ये सब मैंने उन्हें देखा है करते हुए, होमवर्क करते हुए वहाँ पे वो डिजाइन कर रहे हैं एंड शी इज डन प्रीटी वेल फॉर हरसेल्फ. एंड तो ये चीज एक इम्बेड हो गई बहुत छोटे एज में. तो बट आई थिंक शायद मेरा फ्लेयर क्योंकि मैं इतना गारमेंट्स और ज्वेलरी देख चुकी थी नहीं था और मुझे कुछ और करना था, तो मैंने इंटीरियर की तरफ अपना इंटरेस्ट बनाया और जैसे जैसे मैं करती गई आई एम इन लव विद दिस फील्ड. मुझे आई थिंक आई वेरी प्राउडली से मुझे और कुछ नहीं आता बट ये बेस्ट आता है. तो आई हैव यू नो इट डेफिनेटली इवॉल्व्स ओवर इयर्स बट कुछ आई थिंक यू हैव टू हैव दैट इनबॉर्न फ्लेयर, वो बहुत जरूरी है, एक्वायर्ड नहीं है ये चीज. ओके अगर दिव्या हम आपसे पूछें कि आप एस्पायरिंग डिजाइनर्स जो हैं इंटीरियर डिजाइनर्स, उन्हें क्या अपने टिप्स देना चाहेंगी, उन्हें क्या कहना चाहेंगी आप? देखिए जो एस्पायरिंग डिजाइनर्स हैं मेरे, उनको सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगी कि टेक्निकल और इंटीरियर डिजाइनर के एस्पेक्ट्स तो वो सब सीख ही रहे होंगे क्योंकि वो एस्पायरिंग है, तो आई एम श्योर वो कोर्सेज में होंगे या अपने आप को टेक्निकली इनरिच कर रहे होंगे. बट मेरे एक्सपीरियंस से उन लोगों को जो चीजें अपने अंदर इंकल्केट करनी चाहिए वो है नॉलेज ऑफ पीपल एंड प्लेसेस. ये बहुत जरूरी है क्योंकि इट्स अ वेरी क्लोज निटेड पीपल स्किल. आई मीन अगर आप एक घर बना रहे हैं तो आप वहाँ 6 जनों की स्पेस बना रहे हैं और 6 जनों से इंटरैक्ट कर रहे हैं और उनकी रिक्वायरमेंट्स निकाल के ट्रांसलेट कर रहे हैं. सिमिलरली कोई भी आप फील, अगर किसी भी इंटीरियर डिजाइन का फील्ड आप ले लें, आपको लोगों की समझ डेवलप करनी जरूरी है. आपको समझना है रिक्वायरमेंट्स और उसको कैसे अपने टेक्निकल नॉलेज जो आप कहीं से भी किसी भी इंस्टीट्यूट से गेन कर रहे हैं उसको मर्ज करना आना चाहिए. और ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टिप और स्किल है जो मैंने बड़े सालों में सीखी है और मैं चाहूंगी कि हमारे यंग डिजाइनर्स
स्ट्रेस ले ले ताकि वो भी अपने डिजाइन को फंक्शनल बना पाए, बहुत बना पाए। जी दिव्या, आप हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे आखिर में कि अगर एक सेंटेंस की बात करें तो आप अपने आप को स्टाइल और अप्रोच में किस तरह का डिजाइनर मानती हैं? आई थिंक द स्टाइल दैट आई लाइक इज मोर लग्जूरियस, बट माय अप्रोच इज प्रैक्टिकल, सो आई ट्राई एंड गेट a luxury with functionality. That is what my design is about. That's what I try and deliver. जी, तो हम यही कहेंगे दिव्या, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। इसी तरह आप लोगों की जिंदगी में, उनके घरों में और उनके काम करने की जो जगह है उसे अपनी सोच से और खूबसूरत और वाइब्रेंट और लाइवली बनाती रहे। हमें पता है आपने जो प्रोजेक्ट्स किए हैं उनके बारे में, हमारे पास वी हैव गॉटन वीडियो, सो लेट्स रोल इट आउट। थैंक यू।